अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिनों से सना ने व्लॉग क्यों नहीं अपलोड किया, क्योंकि यार मैं आप लोगों को जाना बताती हूँ मैं क्यों परेशान थी। ठीक है, तो आज मौसम बहुत खूबसूरत है और वहाँ पे गंदम की मशीन लगी हुई, दिखाना। हाँ, तो मैंने बोला भाई से कि चलो बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, काफ़ी दिन हो गए यार व्लॉग भी अपलोड नहीं किया। आप लोग बोल रहे होगे कि सना अचानक से गायब कहाँ हो गई है, तो इसलिए मैंने सोचा चल थोड़ा बाहर जाते हैं, व्लॉग बनाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा घूम फिर के और आपके साथ वजह भी शेयर करते हैं कि ना मतलब इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आया। तो वहाँ चलते हैं हम लोग बेड़ी के पास ना, थोड़ा घूम फिर के आते। अख्तर गई है आज अपनी अम्मी के घर पे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए वो नहीं जा रही थी, ईद था तो ईद की वजह से। गाइस वहाँ पे ना मशीन लगी हुई है, ठीक है, वो गंदम की मशीन। आजकल आपको पता है गंदम है, तो मैंने भी कल जाना है यार, जाना गंदम की कटाई करने के लिए। वो भी व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे, अभी तो बस थोड़ा घूमने बाहर आए थे, मौसम अच्छा है और आगे आए वहाँ पे बैठ के हम बातें करते हैं और आपको बताती हूँ कि इतने दिन व्लॉग क्यों नहीं आया। अखू वेख लो कदों दी गई हुई है, अब तक कब से गई हुई है गाइज, और अभी तक नहीं घर पे आई, अभी तक नहीं आई, पता नहीं इसको क्या मसला है, अभी तक नहीं आई। कल हमने भी जाना गंदम की कटाई करने के लिए और वो व्लॉग भी आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। फाइनली यार आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि फाइनली मैं आप लोगों के साथ बात कर पा रही हूँ, वरना 3 हफ्ते होने वाले हैं आप लोगों से बात नहीं हो रही थी। मैं बड़ी सैड थी, कसम से बहुत सैड थी। वजह ये थी व्लॉग ना बनाने की, एक तो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, एक मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद जो है ना यार, मेरे मोबाइल का कैमरा जो है ना, बैक साइड का कैमरा, उस पर वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं मोबाइल चेंज करूँगी तो फिर वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो फिर मैं मोबाइल तो चेंज कर नहीं पाई, मैंने करना है इंशाल्लाह, आप लोग दुआ दें बहुत जल्दी आईफोन लेंगे हम लोग। लेकिन पता क्या, अब आईफोन तो अभी तक लिया नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि यार अब बस सब्र की इंतहा हो गई है, मेरा बहुत दिल कर रहा है बात करने को, तो जो है ना मैंने कहा ये ना इसकी शोर की वजह से मैं कह रही हूँ कि आप लोगों को आवाज़ कम ना आ रही हो मेरी, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा सा आगे आ जा। अच्छा, तो मैंने जो ना बोला कि यार नहीं, मैं ना जैसा भी है कैमरा मैं वीडियो बनाऊँ, ठीक है, जब मोबाइल लूँगी तब इंशाल्लाह फिर अल्लाह ताला के करम से फिर अच्छा ज़्यादा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो अब बनाना स्टार्ट करूँगी, मैंने अब जो ना डेली बेसिस पे वीडियो बनानी करनी है। मुझे इतनी याद आती है अपने व्यूवर्स की, उनके मतलब कमेंट पढ़ने की इतनी खुशी होती है, जब वो कहते हैं कि आयत कैसी हैं आप या सना कैसी हैं आप, मतलब बहुत सारी बातें करते हैं ना, तो बड़ी खुशी होती है यार, बहुत अच्छा फील होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब से मैं डेली बेसिस पे व्लॉग बनाऊंगी, अपने चैनल पे ध्यान दूंगी, अपने सपोर्टर्स को थैंक यू बोलूंगी, यार आप लोगों ने मिलके सपोर्ट करनी है। अब काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, सबने मिलके व्यू देखना है इसको, ठीक है, मेरी सपोर्ट करनी है ताकि मुझे ना वो थोड़ी मतलब एक सपोर्ट एक एनर्जी बंदे को मिलती है कि यार फलाना बंदा जो है ना सपोर्ट कर रहा है, मुझे एक मिलेगी। और ना यार, हाँ एक बात और आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी, यार मैं टिकटॉक पे लाइव आती हूँ, ठीक है, डेली रात को डेली बेसिस पे लाइव टिकटॉक पे, मेरे लाइव आने पे मैच लगते हैं, ठीक है, डेली लाइव मैच लगते हैं और आप सबने मिलके इतनी सपोर्ट करनी है ना कि हमने सबके छक्के छुड़ा देने, इतनी सारी सपोर्ट करनी है। मुझे सबसे उम्मीद है कि आप सब आया करोगे मेरी लाइव पे और मुझे मेरे जाके टिकटॉक अकाउंट को फॉलो भी करना है, ठीक है, सबने मिलके यार मेरे जो है ना व्लॉग्स भी पूरे के पूरे वॉच करने हैं, सबने मिलके मेरे चैनल को जो न्यू है वो उन्होंने सब्सक्राइब भी करना है और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करके तसल्ली देनी है, यार सपोर्ट करो, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।
गाइज आपने मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ। अच्छा, टिकटॉक लाइव का एक ये फ़ायदा है, अगर आप लोग टिकटॉक लाइव पे आते हैं ना मेरी लाइव देखने के लिए, वहाँ आप मुझसे कॉल पे बात भी कर सकते हो, मेरी सपोर्ट करें, मुझसे कॉल पे बात करें, जितनी हो सके सपोर्ट करें। यार टिकटॉक वालों को पता चलना चाहिए कि जैसे सना ने यूट्यूब पे मचाई है ना धूम, वैसे टिकटॉक पे भी धूम मचनी चाहिए। शहजादो हमारी धूम मचनी चाहिए, सना की आर्मी की धूम मचनी चाहिए। यार हमने खुद अपनी आर्मी बनानी है, मिल के शहजादो मिल के आना है, आपने इतनी ज़्यादा सपोर्ट करनी है, मुझसे बात करनी है, और यार दोनों चैनल्स पे सपोर्ट करनी है, टिकटॉक पे भी और यूट्यूब पे भी। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है यार। आप लोगों का बेस्ट मेरे लिए बेस्ट होगा और मुझे तरक्की या आगे जाने में बहुत सारी हेल्प करेगा, तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। शहजादो मिल के सपोर्ट करनी है आपने। आप लोगों ने कहा जितना हो सके यार, जितना हो सके मेरा टिकटॉक अकाउंट को शेयर करना है, ठीक है, इतना शेयर करना है, और यार ऐसे ऐसे धूम मचानी है ना टिकटॉक पे कि सबके छक्के छूट जाएंगे, सना मैदान में आई है। बस अब यूट्यूब पे पहले छाई थी और अब टिकटॉक पे भी छाएगी इंशाल्लाह। ऐसी आप लोगों ने सपोर्ट करनी है, प्लीज़ शहजादो मिल के आपने। रात को 9 बजे मैं लाइव आती हूँ, सुबह 4 बजे तक लाइव होती हूँ, सबने मिलके आना गाइस, सबने मिलके आना। शहजादो प्लीज़ हेल्प करने के लिए मेरे टिकटॉक को लाइव करें, मेरे अकाउंट को उसको जाना आप मतलब फॉलो करें, मेरे टिकटॉक अकाउंट पे हेल्प करें मेरी, और जाना अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और मुझसे आके लाइव बात भी करें, मैं सबसे बात करूँगी, मेरे सब फ़ैन हैं, मैं सबसे बात करूँगी, सब मेरे शहजादे हैं, सब ने आना मिल के। अभी मैंने गिनना था, शाम हो रही है और हम लोग बस जा रहे हैं खाला के घर पे अख्तर को बुलाने के लिए। अली सर अख्तर को बुलाने के लिए जा रहे हैं हम लोग, शाम हो गई है तो हम लोग जाना बस निकलते हैं यार। बिल्कुल आज जो है ना अम्मी की तबीयत भी, शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का, अम्मी की तबीयत भी अब ठीक है। आप लोगों को फिर से कह रही हूँ, सबने मिल के शहजादो सपोर्ट करनी है, सबने मिल के सपोर्ट करनी है, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है शहजादो, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। बस अभी हम लोग खाला का घर वहाँ पे खाला का घर है, बस हम लोग तो जाना खाला के घर जाने लगे हैं, वहाँ से अख्तर को लेंगे फिर अपने घर जाएंगे। और माशाल्लाह देखिए परिंदे घर को जा रहे हैं दिखाना, माशाल्लाह देखें देखें परिंदे जो है ना घरों को जा रहे हैं और हम भी अपने घर को चलें। और अब से डेली बेसिस पे ब्लॉग आएगा, प्लीज़ यार शहजादो मिल के सपोर्ट करनी है, मिल के सबने सपोर्ट करनी है, सबने फुल वॉच करना है मेरे व्लॉग्स को, फुल देखना है और अच्छे अच्छे कमेंट भी करने हैं, और प्लीज़ मेरी सपोर्ट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, कल से डेली बेसिस पे व्लॉग आएगा, अपना ख्याल रखिएगा, डेली बेसिस पे आपने वॉच करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती ढेर सारी खुशियां अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, हमें भी दें आमीन सुम आमीन, अल्लाह हाफिज़।